बैतूल में साहू समाज द्वारा प्रदेश संगठन से मुलाकात की गई है। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात कर साहू समाज ने विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं साहू समाज की प्रदेश समन्वयक के तौर पर किशोर कुमार एवं उनके साथी सत्येंद्र साहू, जगदीश साहू, योगेश साहू, LN साहू, अशोक साहू, संतोष साहू, अभिजीत साहू भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस दौरान संगठन महामंत्री सुहास भगत जी से भी मुलाकात की है। तो वहीं साहू समाज के संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट। मैं किशोर कुमार लहपुरे, समन्वयक साहू समाज, अपने समाज के प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा एवं संगठन महामंत्री सुहास जी भगत को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश की आबादी का 11% साहू समाज है। उसका 80% समाज भाजपा का कट्टर समर्थक है तथा इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी हमारे समाज के ही हैं। इसके बावजूद खेद का विषय है कि मध्य प्रदेश में हमारे समाज का विधायक, निगम मंडल अध्यक्ष, आयोग अध्यक्ष या संगठन में किसी पद पर अभी तक नहीं है। अभी 24 जिला अध्यक्षों का उनकी घोषणा की गई, उसमें भी एक भी साहू समाज नहीं है। इसलिए समाज अपने को असहाय एवं उपेक्षित महसूस करता है। इसी परिस्थितियों में सभी राष्ट्रीय संगठनों ने संयुक्त रूप से मांग की है कि समाज को मंत्रिमंडल, निगम मंडल, आयोग, स्वशासी संस्थाओं में गौरवशाली प्रति भागीदारी सुनिश्चित करे ताकि समाज अपना उपेक्षित भाव त्याग सके। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी एवं अमित शाह जी से भी तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि आगामी मध्यावधि चुनाव में जो 24 सीट पे होना है उसमें समाज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके एवं भाजपा को लाभ मिल सके। धन्यवाद।